now I'm going to show you how to get more likes on Facebook page. And इस तरीके को यूज़ करके आप अपने पेज पे बहुत से लाइक ले सकते हैं, आप मैक्सिमम 5000 लाइक ले सकते हैं. और मैंने भी इसी तरीके को यूज़ करके अपने पेज पर 2606 लाइक लिए हैं. So stay tuned and watch this video and don't forget to download the Weekend Tricks Android app. Links are in description. और ऐसा फोटो एडिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू गेट मोर लाइक्स ऑन फेसबुक पेज विदाउट यूजिंग एनी ऑटो लाइकर. और दोस्तों ये इतना जेन्युइन तरीका है कि खुद फेसबुक आपको ये करने का बोलता है और आप इस तरीके से आपके फेसबुक पेज पे कोई भी नुकसान नहीं होगा. लेकिन दरअसल जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसमें आपके अपने फेसबुक पेज पे लाइक नहीं आते हैं, लेकिन आपको बाद में वो कर सकते हैं. तो दरअसल हम करेंगे कि हम अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल होती है उसको पेज में कन्वर्ट करेंगे. इसमें क्या होता है कि अगर आपके फेसबुक मतलब प्रोफाइल में अगर 500 फ्रेंड्स हैं या 1000 फ्रेंड्स हैं तो आपको जो नया पेज बनेगा उसी प्रोफाइल से उसमें 500 लाइक्स आ जाएंगे. इस तरीके में क्या होता है कि आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल होती है उसमें कोई नुकसान नहीं होता है. इसलिए मैं आपको अपनी प्रोफाइल को मतलब अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको पेज में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और मेरे 500 फ्रेंड्स हैं तो मेरे पेज में भी 500 ही लाइक्स आएंगे. अगर आपको अपने मतलब अपने फेसबुक पेज में लाइक लेना चाहते हैं तो आप फिर बाद में क्या कर सकते हैं, आपकी जो मतलब जो आपने जो प्रोफाइल से आप उसको पेज में कन्वर्ट करते हैं. तो जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम फेसबुक में विनीत कुमार है, जैसे मेरा नाम फेसबुक में विनीत कुमार है, तो अगर मैं लाइक और अगर मेरे को वीकेंड ट्रिक्स पेज पे लाइक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं विनीत कुमार नाम से पेज बनाऊंगा और उसमें मेरे को 500 लाइक्स आ जाएंगे. फिर मैं क्या करूंगा उस मतलब जो पेज होगा उसको मेरे को एडिट करना पड़ेगा जैसे वीकेंड ट्रिक्स पेज है, तो मेरे को उसका नाम रखना पड़ेगा विनीत कुमार पेज का नाम रखना पड़ेगा वीकेंड ट्रिक्स. और उसके साथ जो मतलब जो अबाउट सेक्शन में होता है कुछ एडिट मतलब कौन सा ग्रुप का पेज है, जैसे मेरा ट्रिक्स का पेज है तो उसमें कुछ कंप्यूटर ट्रिक्स लिखा होता है तो मेरे को उसमें कंप्यूटर ट्रिक्स लिखना पड़ेगा. फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, उन दोनों पेज को मर्ज करना पड़ेगा. तो जब वो दोनों पेज मर्ज हो जाएंगे तो होता क्या है कि हमारी जो दोनों पेज होंगे उन दोनों का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा और एक नया पेज बनेगा जिसका नाम वीकेंड ट्रिक्स ही होगा, लेकिन उसमें जो लाइक्स होंगे वो दोनों के मैच होकर मतलब दोनों के मिक्स होकर आएंगे. तो अगर एक पेज में मेरे 1400 लाइक्स हैं और एक पेज में मेरे 500 लाइक्स हैं तो दोनों में मिक्स होकर मेरे आएंगे 1900 लाइक्स. तो यही है वो तरीका और ये बिल्कुल ही जेन्युइन तरीका है. और अगर दोस्तों अगर आपको मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी आईडी नहीं है तो आप एक नकली फेसबुक आईडी बना सकते हैं और उनमें नकली रिक्वेस्ट ले सकते हैं. और आपको पता होगा फेसबुक में ऑटो रिक्वेस्ट कैसे आती है, उसकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दिख रही होगी, उसका नाम है behbee.com. इसको यूज़ करने के इंटरनेट पर काफ़ी ट्यूटोरियल होंगे तो आप वो दे सकते हैं. अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये है मेरी फेसबुक प्रोफाइल जिसमें मेरे पास है 500 फ्रेंड्स. तो अभी आपको एक पेज बनाकर दिखाता हूँ जिसमें मेरे पास आएंगे 500 लाइक्स. तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना पड़ेगा और आपको सर्च करना पड़ेगा प्रोफाइल टू पेज कन्वर्ट. जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास कुछ ये रिजल्ट आएगा, जो फेसबुक का रिजल्ट होगा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे. उसके बाद आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा, इसमें मतलब खुलेगा तो इसमें आपको जो दूसरे नंबर वाला है ये आपको इसके ऊपर क्लिक करना है. जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे सबसे नीचे आ रहा है और आपको गो टू फेसबुक पेज इसके ऊपर क्लिक कर देना है. जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप अपने जो एक जो मतलब अपने जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको कन्वर्ट करके आप एक फेसबुक पेज बना सकते हैं. तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड और ये प्रोसेस थोड़ी मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा और इसमें ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. तो देखिए जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है आपके पास एक ऐसी विंडो आएगी जिसमें आपका जो मतलब प्रोफाइल होगी वो एक दरअसल एक पेज में कन्वर्ट हो जाएगी. तो आप यहाँ पर सबसे पहले आएंगे, मतलब देखिए आपको ऑप्शन आ रहा होगा चूज़ फ्रेंड्स फ्रॉम योर प्रोफाइल टू ऑटोमेटिकली लाइक योर पेज. मतलब जितने भी आपके फ्रेंड होंगे वो सारे आपके पेज को लाइक कर देंगे. जब आप स्टार्टिंग में पेज बनाएंगे तो आपके पास 0 ही लाइक्स होंगे, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास जो होंगे वो लाइक्स आ जाएंगे. तो अभी आप देख अगर आप अभी आप देखेंगे तो मैं इन सभी को फ्रेंड्स को चूज़ कर रहा हूँ, आपको भी सारे फ्रेंड चूज़ करने होंगे. तो ये हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं. तो देखिए ये मेरा पेज बन चुका है अभी. और अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ नीचे देखिए मेरे पेज पर अभी आपको 8 लाइक्स दिख रहे होंगे. अब मेरे पास कितने 500 फ्रेंड्स हैं तो मेरे को 500 लाइक्स आएंगे. तो अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही रिफ्रेश करता रहूँगा मेरे जो लाइक्स होंगे वो बढ़ते रहेंगे. तो अभी नीचे देखिए 515 लाइक्स हो गए मेरे पेज पर, 500 ही फ्रेंड्स थे तो इतने ही लाइक्स मेरे होंगे. तो देखिए इस तरीके से आपका एक पेज बन चुका है जिसमें आपके पास कितने 515 लाइक्स हो चुके हैं. आप देख सकते हैं आराम से आपको सब कुछ दिख रहा होगा, ये 515 फ्रेंड्स हो चुके हैं. अगर आपको मतलब वो नहीं मिल रहा है टूल तो वो यहाँ लिखा होता है चूज फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और ऑल फ्रेंड्स मतलब अगर आपको नहीं मिला वो तो आप यहाँ से कर सकते हैं इन चीज़ों को.
दोस्तों मेरे पास ये पेज तो बन चुका है जिसके ऊपर देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास अभी इस पेज के ऊपर कितने हैं 631 लाइक दिख रहे होंगे आपको। और इसमें एक दूसरी बात है, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको इस पेज का नाम चेंज करना है, जैसे इस पेज का नाम अभी विनीत कुमार है, तो आपको अगर इस पेज का नाम चेंज करना है तो आपको ये जो अबाउट दिख रहा होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एडिट पेज नेम, तो आप यहाँ पर एडिट पेज नेम पर क्लिक करके आप अपने पेज का नाम एडिट कर सकते हैं। तो जब आप अपना नाम चेंज करेंगे आपको दरअसल एक रिक्वेस्ट करनी होती है, मतलब आप रिक्वेस्ट करेंगे फिर फेसबुक वेरीफाई करेगा कि आप इस पेज का नाम ऐसा रख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, आपको जैसे मान लीजिए आपको दो पेज मर्ज करने हैं, जैसे आपका एक पहले से ही पुराना फेसबुक पेज है और उसमें आपको अपने लाइक्स बढ़ाने हैं तो आपको दो पेज मर्ज करने पड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो आपका दूसरा पेज है उसकी जो कैटेगरी है आपको वो चेंज करनी होगी बिल्कुल सेम इसी की तरह, मतलब उसकी अगर कैटेगरी मान लीजिए मेरा वीकेंड ट्रिक्स का पेज है तो उसकी कैटेगरी है टेक्नोलॉजी, तो मेरे को उसकी कैटेगरी भी टेक्नोलॉजी रखनी पड़ेगी और इसका नाम वीकेंड ट्रिक्स रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप टेक्नोलॉजी कैटेगरी भी एडिट कर सकते हैं और यहाँ से आप नेम भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आएंगे सेटिंग्स में, ये जो है सेटिंग्स, आप यहाँ पर आएंगे तो मैं सेटिंग्स पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप सेटिंग्स में आएंगे आपके पास ऐसा पेज कुछ खुलेगा, तो आप यहाँ पर सबसे नीचे जाइए, जनरल सेटिंग में सबसे नीचे जाइए और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मर्ज पेज, मर्ज डुप्लीकेट पेज, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आप दूसरा मतलब डुप्लीकेट पेज जो है वो मर्ज कर सकते हैं। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि आपके जो दोनों पेज होंगे वो सेम होंगे, उन दोनों पेज का नाम एक ही जैसा होगा। और तीसरी जो सबसे मतलब बुरी कंडीशन लगती है मेरे को, और आपका जो नया पेज बनेगा उसका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, मतलब अगर आपका पुराने पेज में काफ़ी डाटा है तो वो सारा डिलीट हो जाएगा अगर नया पेज बनाएंगे तो। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप दो पेज मर्ज कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे को मतलब मर्ज, पहले तो मेरे को नाम चेंज करना पड़ेगा उसी के बाद मर्ज होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो दोस्तों यही है वो तरीका, मतलब इसी तरीके से अगर आपके मान लीजिए 5000 फ्रेंड्स हैं तो आप 5000 लाइक्स ले सकते हैं और आप डिफरेंट पेजेस को मर्ज करके 100000 लाइक्स भी बना सकते हैं। तो थैंक यू और आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू। सो दोस्तों आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और चलिए दोस्तों, अगर आपको कैसा ये जो तरीका है आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, और मुझे नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, और आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। We'll be right back.